बाबुल सुप्रियो बीजेपी में रहेंगे या फिर नहीं, इस पर विचार मंथन अभी भी जारी है। कल रात उन्होंने जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की थी। खबर के मुताबिक नड्डा ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए एक दिन का वक्त दिया है। बाबुल सुप्रियो बीजेपी में रहना चाहते हैं या फिर नहीं, इस पर वो मंगलवार तक अंतिम निर्णय ले सकते हैं। बाबुल सुप्रियो इस वक्त दिल्ली में अपने घर पर हैं। कल उन्होंने बीजेपी ही नहीं छोड़ी बल्कि राजनीति से भी संन्यास का ऐलान कर दिया था। प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो कहना था वो लिख दिया है और इस बीच मंगलवार तक का वक्त उनको दिया गया है, वही तय करेंगे कि क्या डिसीजन उनका होता है। बीजेपी छोड़ने पर असमंजस अभी भी बरकरार है। सीधा चलेंगे अनुपम मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबुल सुप्रियो ने कोई रिएक्शन नहीं दिया बावजूद इसके मंगलवार तक का वक्त, और इस बीच हमने देखा कि अभी भी एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जा रहा है। क्या वो संन्यास लेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे बीजेपी में, क्या कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है अनुपम जी? नवजोत, देखिए कल जब उन्होंने दोपहर बाद फेसबुक में पोस्ट किया, राजनीति छोड़ने की बात कही, उसके बाद दो तीन बार उन्होंने अपना फेसबुक पोस्ट उसको एडिट भी किया, लेकिन कल रात जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, उनको अपना फैसला फिर से पुनर्विचार करने को कहा गया है जेपी नड्डा की ओर से, और कल फिर जेपी नड्डा के साथ एक मुलाकात होनी है बाबुल सुप्रियो की, और उसी के बाद फाइनल होगा। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया था उसमें तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अब राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन ये भी लाजमी था कि उनको रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से जिस विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ रही है, उसके बाद बाबुल सुप्रियो का इस तरह से छोड़ जाना, तो बंगाल बीजेपी के भविष्य पर एक असर पड़ सकता है। तो ये सब सोचकर एक बार पुनर्विचार की बात कही गई है बाबुल सुप्रियो से। बिल्कुल शुक्रिया। और इस बीच ये भी बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को अलविदा किया और सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। हालांकि दिलीप घोष का ये कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा थे और आगे भी रहेंगे। Whatever I need, I felt, whatever I wanted to say, I have written it. I don't really want to react, answer, or, you know, get into any kind of questioning. लोग अलग अलग पोस्ट करते रहते हैं समय समय पर, पार्टी फेसबुक और ट्विटर पर नहीं चलता है। बाबुल जी हमारे पुराने नेता, सीनियर लीडर और मंत्री हैं, और वो उनकी अगर कुछ बोलना है तो उनसे बात करने वाले भी पार्टी में हमारे नेता हैं, वो बात करेंगे। कोई भी विषय हो उस जगह पर उसका समाधान। लेकिन संसद पोस्ट छोड़ने का बात की है उन्होंने, पॉलिटिक्स छोड़ने का बात कुछ नहीं, छोड़ेंगे, पार्टी में है, पार्टी के साथ रहेंगे। उनका भूमिका में परिवर्तन है, प्रशासन में रहकर अपना अनुभव बढ़ाया है, और हम संगठन में चाहते हैं उनका भी जो अनुभव है, उनकी जो जोश है, उसका हम बंगाल के ऑर्गेनाइजेशन में काम लगाएंगे। बाकी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, उनके बारे में सोचेंगे क्या काम।